हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष नायर है और पिछले 35 साल से मैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में लगा हूँ। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और करीबन 20 लाख लोगों के लाइफ को चेंज और ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं कई नतीजों पे पहुँचा। और इन 35 सालों में मेरा ये तजुर्बा और अंडरस्टैंडिंग कैसा बड़ा हुआ, तो वो ऐसा है कि मैं यूरेका फोर्ब्स में था, तो मैं सेल्स में था, तो नंबर वन सेल्समैन, नंबर वन ग्रुप लीडर, नंबर वन सुपरवाइजर, नंबर वन ब्रांच मैनेजर, ऐसा मैं रीजनल सेल्स मैनेजर तक पहुंचा। और उस 8.5 साल में मैंने अच्छे बुरे वक्त सब देखे। कंपनी अच्छा वक्त से जा रहा है, कंपनी बुरी वक्त से जा रहा है, अपना पूरा टीम बहुत मस्त काम कर रहा है, पूरी टीम टूट गई, पूरा टीम रिज़ाइन किया। और उन दिनों में कई ट्रेजडीज हुए, पर्सनल और प्रोफेशनल, कई डिसीशंस गवर्नमेंट के हुए, कई इकोनॉमिक डिसीशंस हुए। उसके बाद मैं रियल वैल्यू बोल के, सीज फायर बोल के कंपनी में था एज DGM और जनरल मैनेजर। वहाँ पर हमने देखा कि हमारी कंपनी ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वैक्यूमाइजर, और हमारी पूरी कंपनी जो बहुत प्रॉफिटेबल थी वो BIFR हो गया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल बोलते ना, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, और बर्बाद सी हो गई। उसके बाद मैं टीम प्रोडक्टिविटी बोल के कंपनी में काम किया एज अ वाइस प्रेजिडेंट और एज अ डायरेक्टर आउट देयर। उस कंपनी को ग्रो होते हुए देखा, उस कंपनी के कई अच्छे बुरे वक्त देखा, और पिछले 20 साल से स्मार्ट द ट्रेनिंग कंपनी जो मैं चला रहा हूँ, इसको मैं 20 साल से चला रहा हूँ। इस 20 साल में मुझे लगता है कि 20 डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स मैंने देखे हैं। मैं एक ज़माने में, हमारी कंपनी स्मार्ट जो है, यूनिलीवर, वोडाफोन, एशियन पेंट्स, कोको कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, दुनिया की जितनी भी ट्रांसनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है उनके टॉप CEOs, जैसे सोडेक्सो के CEO, वहाँ से लेके उनके फ्रंट लाइन जो रिसेप्शनिस्ट हैं वहाँ तक लोगों को ट्रेन किया, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में। कंपनी जब लॉसेस में है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ह्यूज लॉसेस में जब होता था, उस ज़माने में ट्रैक्टर डिवीजन को, उस ज़माने में उनके ऑटोमोटिव डिवीजन को एड्रेस करना। उसके बाद मैं इंश्योरेंस सेक्टर में आया, जब इंश्योरेंस सेक्टर में जो लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, और करीबन 2 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स और 25 प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, ICICI, HDFC, स्टैंडर्ड लाइफ हुआ, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ हुआ था, होता था उस ज़माने में, भी मैक्स लाइफ हो गया, मेट लाइफ हुआ, और आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी आप देख लो, उन सबको मैंने अच्छे वक्त में भी ट्रेन किया, बुरे वक्त में भी ट्रेन किया। उसके बाद अगर आप देखो तो MLM इंडस्ट्री में मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, तो टॉप MLM कंपनी जो एकदम टॉप में थे, बाद में बंद हो गए, टॉप MLM कंपनी जो गिरे और फिर उठे, ऐसा वो भी हमने देखा। और हमारी जो उसके बाद 2003-2004 से पिछले 16-17 साल से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमारी कंपनी स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ट्रेनिंग कर रही है, कोचिंग कर रही है, कंसल्टिंग कर रही है, मेंटरिंग कर रही है, एडवाइजिंग कर रही है, काउंसलिंग कर रही है, ये सब करते हुए अगर आप देखेंगे तो मेरे ये खोपड़ी के अंदर इतना माल भरा हुआ है कि मुझे लगता है कि कभी कभी फट जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात किया जाए। और इस बात करने के पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने मेरी बातों को सुना पिछले 35 सालों में, मैंने अगर बोला कि आप सफ़ेद कपड़ा पहनो और उसने पहना, तो उसका ज़बरदस्त बरकत हुआ है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 20 लाख आदमी में जिसने मेरे कहने पे कुछ किया और हमारे कंपनी के कहने पे कुछ किया और वो रोड पे आ गया और बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ इन दिस अनसर्टन टाइम में, तो थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरे जो कलीग है दर्शन भाई मेहता, जो हमारे बिजनेस पार्टनर है राजकोट में, और आप जानते हैं कि स्मार्ट राजकोट में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है, बड़ौदा में है, पूना में है, नासिक में है, अमरावती में है, दिल्ली में है, कैलिकट में है, कोचिन में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, और ऐसे कई जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं, मोरबी में है, जामनगर में है, और कई जगहों पे हमने काम किया, काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली हमने कई देशों में काम किया है, अभी अफ्रीका में हम लोग काम कर रहे हैं और श्रीलंका में हमने काम किया है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे जब लोग पूछते हैं कि नायर साहब क्या करना चाहिए इन अनसर्टन टाइम्स, तो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। हो सकता है ये वीडियो लंबा होवे,
हो सकता है आप इसको टुकड़े टुकड़े में देखें, या हो सकता है कि मेरा टीम इसको टुकड़े टुकड़े में आपको पहुंचाएगा, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आज मैं प्रोत्साहित इसलिए हुआ हूं क्योंकि थोड़े दिन पहले दर्शन भाई मेहता ने मेरे को एक रिक्वेस्ट भेजा था और मैं पढ़ना चाहता हूँ। डियर सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू। इन दिस अनसर्टन टाइम वी नीड टू कम टूगेदर एज अ टीम एज वी ऑल वुड बी फेसिंग चैलेंजेस फॉर क्लोजिंग न्यू बिजनेसेस एंड इवन फॉर एग्जीक्यूटिंग सेशंस एज पीपल आर स्केयर्ड एंड अवॉइडिंग गैदरिंग्स। तो ये ख्याल उन्होंने सामने पेश किया कि हम लोगों को भी बिजनेस करने में तकलीफ होगी क्योंकि लोग हमें अवॉइड करेंगे, लोग डरे हुए हैं। और सबसे पहला देयरफॉर मुझे ये बताना है कि जब भी अनसर्टन टाइम होता है, अनसर्टन टाइम का मतलब है एक पीरियड ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल टर्मोइल। अनसर्टन टाइम का मतलब है एक ऐसा पीरियड जो मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, एक ऐसा पीरियड जहां मैं घिरा हुआ हूं लोगों से जो खुद नहीं जानते हैं कि करना क्या है। क्योंकि एक जो स्टेबिलिटी था, प्रेडिक्टेबिलिटी था, एक जो क्लैरिटी थी, जो यू नो, वो सब चला गया। तो अभी वॉलेटाइल हो गया सब चीज, यानी हर चीज स्पीड से बदल रहा, अनसर्टन हो गया, इसका मतलब हर चीज अनप्रेडिक्टेबल है, यू नो, कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका मतलब है कि मैं एक डिसीजन लेता हूँ उसका रिपरकेशन 10 चीज होता है, यू नो, और एम्बिग्यूस है, मतलब कोई भी चीज क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला बात तो आपको यह समझना है कि अनसर्टन टाइम यानी अनिश्चितता का काल एक ऐसा काल जहां पर पर्सनल एंड प्रोफेशनल टर्मोइल से चल रहा है, आपको अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है अनसर्टन टाइम में जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा वो है, भूल जाओ अपने बारे में और दूसरों पे ध्यान दो। फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ एंड फोकस ऑन अदर्स। क्या होता है जब चीजें अपने हिसाब से नहीं होती, जब अनसर्टन होती है, जब बिजनेसेस गिरने चालू हो जाता है, जब गवर्नमेंट के पॉलिसीज ऐसे हो जाते हैं जैसे GST हुआ या डीमोनेटाइजेशन हुआ, कोरोना वायरस हुआ, या फिर किसी भी तरह का अगर आप सिचुएशन को देखें जो आपने सोचा नहीं था या वो आपके हाथ में नहीं है, जैसे केरला में प्रलय हो गया, यू नो, फ्लड्स आ गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके हाथ में नहीं है। डिसीशंस कभी गवर्नमेंट लेती है तो कभी समुदाय लेता है तो कभी नेचर डिसीजन लेता है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में भी हमें जीतना है हर हाल में, हर काल में। ये पहला फंडामेंटल थिंकिंग ये होना चाहिए कि हमें जीतना है हर हाल में, हर काल में। और हमें हर हाल में, हर काल में हमें खुद को डायरेक्शन देना है, हमारे को अपना कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, और हर हाल में और हाल में हमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहना चाहिए। तो सबसे पहला बात, हमें खुद के लाइफ में एक लीडर बनना पड़ेगा, यानी कि लीडर बन गया यानी हम अपने आप को डायरेक्शन दे सके। हमें रिश्ता हर वो इंसान, हर वो चीज के साथ बना के रखना चाहिए जो हमें कॉन्फिडेंस देता है। तो हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। तो पहला तो हमें डायरेक्शन देना है खुद को, दूसरा हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, और तीसरा हमें अपने आप को काबिल बनाना है हर हाल के लिए, हर हाल के लिए हमें काबिल बनाना अपने आप को। अगर ये सेंट्रल प्रीमाइस है, इसका मतलब है मैं संतोष नायर, मुझे खुद को डायरेक्शन देना है, यानी कि मुझे अपने लाइफ में खुद एक लीडर बनना पड़ेगा। सो आई हैव टू प्रोवाइड लीडरशिप टू माई सेल्फ, यानी मैं डायरेक्शन दे सकूं। दूसरा, मैं रिश्ते बनाऊं ऐसा, प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप, मैं लोगों को रिश्ता बना के रखूं लोगों के साथ और उनको कॉन्फिडेंस हो कि उसके कॉन्फिडेंस से हमको कॉन्फिडेंस आ गया। और तीसरा, प्रोवाइडिंग क्रिएटिविटी यानी प्रोवाइडिंग कैपेबिलिटी, यानी अगर मेरे में कोई क्षमता है तो वो क्षमता मैं दूसरों को दूं। ये ब्यूटीफुल वक्त होता है जब अनिश्चितता का काल होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स, फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ एंड फोकस ऑन अदर्स, भूल जाओ अपने बारे में और दूसरों पे ध्यान दो। क्या होता है कि जब अनिश्चितता का काल होता है, पीपल ड्राइव इनसाइड, मतलब पीपल डोंट ड्राइव आउटसाइड, पीपल ड्राइव इनसाइड। कहते हैं कि जब डर जाता है तो फियर कैन ड्राइव पीपल
into themselves. जब डर लगता है, you know, आदमी अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, आदमी दुनिया से अपने आप को अलग होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नाराज हो गया, वो अपसेट हो गया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, अभी उससे कोई चीज अच्छा नहीं लगता, ना उसको बीवी अच्छा लगता है, ना बच्चे अच्छा लगता है, ना हस्बैंड अच्छा लगता है, ना कलीग अच्छा लगता है, ना कली यू नो डायरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, ना कस्टमर अच्छा लगता है, ना गवर्नमेंट अच्छा लगता है, ना भगवान अच्छा लगता है, ना वातावरण अच्छा लगता है, तो वो क्या बोलता है, मैं सबसे परे हो जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि वो नाराज हो चुका है, आदमी नाराज हो चुका है, आदमी अपसेट हो चुका है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए. अभी जितना आदमी अकेला होता है उतना वो आइसोलेटेड होता है, और जितना वो आइसोलेटेड होता है उतना वो अपने आप को अपाइज महसूस करता है, हेल्पलेस महसूस करता है. देयरफॉर फॉर्मूला ये कहता है, अपने बारे में छोड़ दो, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा इनकम का क्या होगा, मेरा ईएमआई का क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट का क्या होगा, मेरे कलेक्शन का क्या होगा, मेरे यू नो मेरा फ्यूचर का क्या होगा, ये जो मैं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो जो मेरी लड़की अमेरिका जाने वाली थी उसका क्या होगा, वो जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी दूसरी वाली उसका क्या होगा, उसका फीस मैं कहाँ से भरूँ, उसको मैं कैसे अपना एजुकेशन को पूरा करूँ, मैं मेरे क्लाइंट जो टूट रहे हैं उनको कैसे संभालूँ. तो मैं हमेशा कहता हूँ माई डियर फ्रेंड्स, फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ. ये वक्त अपने बारे में सोचने का नहीं है, ये वक्त हर वो इंसान जो हमारे आजू बाजू में है उसके बारे में सोचना है. मुझे अपने बारे में नहीं सोचना, अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचना है कि उसके लाइफ को मैं कैसे ठहराव दे सकूं ऐसे अनिश्चितता के काल में. क्योंकि अगर घबराया मैं हूं तो घबराया वो भी है, अगर मुझे लगता है कि मेरे एम्प्लॉय का क्या होगा तो उस एम्प्लॉय को भी लगता है कि मेरा फ्यूचर का क्या होगा, तो वो तो बेचारा वैसे भी डरा हुआ बैठा है. तो हमें उसके संगत में रहना है. हमारा कस्टमर ऑलरेडी डरा हुआ है कि आगे का क्या होगा, तो हम स्मार्ट वाले, हमारे रिव्यूअर, हमारे ट्रेनर, हम सब लोग कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं. हमने कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, हमने कोई प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं किया, हम लोग अपने कस्टमर को फ़ोन कर रहे हैं, हम उनके साथ जूम कॉल में हैं, हम उनके साथ यू नो रिटर्न कम्युनिकेशन में हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम कनेक्ट कर रहे हैं. फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ एंड फोकस ऑन अदर्स. जितना हम दूसरों पे ध्यान देंगे, और दूसरों का लाइफ में डेंजर होता है, उस डेंजर को हमें एलिमिनेट करना है, दूसरों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी होता है और हमें उस अपॉर्चुनिटी को उसको कैप्चर करने को सिखाना है, बताना है. दूसरों के लाइफ में उनके पास बहुत स्ट्रेंथ्स होता है, उस स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, तो मैं बोलता हूँ DOS. आपके कस्टमर के लाइफ में डी है, डेंजर है, अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेंथ है. आपके स्टाफ के लाइफ में डेंजर है, अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेंथ है. आपके वेंडर के लाइफ में डेंजर है, अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेंथ है. तो आप उसके डेंजर्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आप उसको कोई किताब दे सकते हैं, क्या आप उसको कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या आप उसको कोई ऑडियो दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, क्या आप उनको जाके मिल सकते हैं, उनके साथ आप चर्चा कर सकते हैं, जितने उनके डेंजर्स उनको एलिमिनेट आप कैसे कर सके, उनके सामने जो अपॉर्चुनिटी है. आप देखिए, एक साइड में अगर आप यू नो फेस टू फेस हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, समझो अब ये कोरोना वायरस की वजह से फेस टू फेस नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी है ना, तो जूम में कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, फोन पे कर लेंगे, कई टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म्स है उसको हमें सोचना है. हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म का धंधा चला रहे, तो आप इन लोगों को भर भर के अमेरिका लेके जा रहे थे, पेरिस लेके जा रहे थे, सिंगापुर लेके जा रहे थे, बैंकॉक लेके जा रहे थे, अभी आपके पास वो कोरोना वायरस और गवर्नमेंट और बाकी सब रेस्ट्रिक्शन की वजह से आप ये बल्क में 100 200 300 आदमी को नहीं लेके जा सकते, फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है हस्बैंड वाइफ को 3 दिन के लिए माउंट आबू लेके जाने का, क्योंकि हो सकता है कि वो यू नो अहमदाबाद से माउंट आबू चला जावे. 2 दिन का प्रोग्राम हो सकता है, 1 डे का प्रोग्राम हो सकता है, कोई और तरीका जरूर हो सकता है. तो
अपॉर्चुनिटीज जो है उसे कैप्चर करने के लिए आप उसको रास्ता देना चाहिए। और तीसरा है स्ट्रेंथ्स। हर इंसान के पास कोई स्ट्रेंथ्स होता है, उस स्ट्रेंथ्स को आप मजबूत कैसे कर सके इसके ऊपर आपको सोचना है। तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। जैसे आपको लग रहा है कि मैं विड्रॉ करूं, घर में बैठूं, ऑफिस में बैठूं, मैं अलग हो जाऊं, मैं किसी से बात ना करूं, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और आपका कनेक्शंस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये वक्त है दूसरों के साथ रहने का, ये वक्त है दूसरों को सहारा देने का, ये वक्त है दूसरों को हिम्मत देने का। क्योंकि जब हम दूसरों को सहारा देते हैं अपना सहारे का सेटिंग हो जाता है, जब अपन दूसरों को कॉन्फिडेंस देते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस का सेटिंग हो जाता है, अब जब दूसरों को मदद करते हैं तो खुद की मदद हो जाता है। यू विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू हेल्प अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट, ऐसा ज़िग ज़िगलर साहब बोलते थे। जिंदगी में आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए जब आप दूसरों को मदद करेंगे जो उनको चाहिए। उनको जो चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपने कॉन्फिडेंस दिया। उनको डायरेक्शन चाहिए, आपने डायरेक्शन दिया। उनको कैपेबिलिटी चाहिए, आपने काबिलियत दिया। उनको डर से मुक्ति चाहिए, आपने उनको मुक्त कराया। उनको सहारा चाहिए, आपने सहारा दिया। उनको एक हाथ चाहिए, आपने वो हाथ दिया। उनको मोटिवेशन चाहिए, आपने मोटिवेशन दिया। उनको कोई इंस्पिरेशन चाहिए, आपने उनको वो दिया। इस तरह से जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे आप अपना कॉन्फिडेंस को बरकरार रख पाएंगे एंड आपको अपने बारे में वरी करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप दूसरों के बारे में वरी कर रहे हैं और आप दूसरों को काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो अपने ऊपर से आपका वरी निकल जाएगा एंड यू नो दिस यू विल बिकम द सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। आप दूसरों के लिए एक सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस बनेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला लेसन जो मैं ये प्रोग्राम के माध्यम से जो आपको देना चाहता हूँ ये है कि अपने बारे में भूल जाओ, दूसरों पे ध्यान देवे, एंड दैट इज द फर्स्ट लेसन फॉर विनिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। यू नो ये अनिश्चितता के काल में अपने बारे में भूल जाओ, दूसरों पे ध्यान दो।